हेलो फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द टॉपिक व्हिच यू वांट टू लर्न द टॉपिक इन व्हिच यू हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ वॉइस यस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस तो वॉइस क्या होता है वॉइस सबसे पहले आपको यह समझना है व्हाट इज़ वॉइस तो वॉइस क्या होता है द साउंड दैट यू मेक व्हेन यू स्पीक और सिंग साउंड दैट यू मेक वैन यू स्पीक और सिंग वो साउंड जब आप बोलते समय निकालते हो वो साउंड जिसे आप बोलते समय निकालते हो या सिंगिंग करते समय या गाते समय निकालते हो वो साउंड वॉइस कहलाता है और उस वॉइस को हम आवाज वाणी कंठ स्वर या जब हम बात इंग्लिश ग्रामर की करें तो हम उस वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं यस yes, वाच्य कहते हैं वाच्य तो आज मैं उसी वॉइस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अब इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर की अगर बात की जाए या इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो वॉइस दो टाइप की होती हैं एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस तो आज आपको यस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है और इसी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो देखिए इन इंग्लिश ग्रामर अ सेंटेंस कैन बी रिटर्न इन टू वेज इंग्लिश ग्रामर में एक सेंटेंस को दो तरीके से लिखा जा सकता है नंबर वन इन एक्टिव वॉइस एक एक्टिव वॉइस में नंबर टू इन पैसिव वॉइस और दूसरा पैसिव में अब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो तो हम उसे कैसे पहचानेंगे और पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो तो हम उसे कैसे पहचानेंगे एक सिंपल पहचान बताऊंगा मैं पैसिव वॉइस की लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको डीप नॉलेज दे दूं जो अक्सर लोग नहीं बताते हैं आपको जो अक्सर आपको वीडियोस में नहीं मिलेगी तो वो बातें मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में फिर उसके बाद जो सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं और कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा इस वीडियो के बाद ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है आपका जिसमें आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की एक बेस्ड नॉलेज बहुत ही बेस्ट नॉलेज गेन करेंगे तो देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट जब वर्ब का सब्जेक्ट खुद एक्ट करता है और वो कैसे एक्ट करता है डायरेक्टली एक्ट करता है प्रत्यक्ष रूप से एक्ट करता है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट द वर्ब इज सेट टू बी इन एक्टिव वॉइस जब वर्ब का सब्जेक्ट एक्ट करता है डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से यानी हम ये कह रहे हैं कि जब हम इस बात पे बल देते हैं कि कोई भी एक्शन कोई भी कार्य एक सब्जेक्ट के द्वारा किया गया यानी उसको करने वाला सब्जेक्ट है जब हम कार्य हो रहा है इस बात पे ध्यान नहीं दे के इस बात पे ज्यादा ध्यान ना देकर हम इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि कार्य कौन कर रहा है तो हमारा बल किस पे होता है सब्जेक्ट पे होता है तो जब सब्जेक्ट पे हमारा बल होता है जब हम इम्फोसाइज सब्जेक्ट पे करते हैं तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है एग्जाम्पल देकर अभी मैं बताऊंगा आपको देखिए फॉर एग्जाम्पल आई मेड अ मिस्टेक यहां पे आई मेड अ मिस्टेक मैंने गलती की आई मेड अ मिस्टेक मतलब मैंने गलती की यहां पे आई मेड अ मिस्टेक से यह पता चल रहा है कि मैंने गलती की यानी कि लोगों का ध्यान किस पे जा रहा है मुझ पे क्योंकि गलती करने वाला मैं हूं तो लोग किस पे बल दे रहे हैं कि ये वो व्यक्ति है जिसने गलती की लेकिन अगर यह सेंटेंस ऐसे होता कि मिस्टेक वॉज मेड बाय मी मिस्टेक वॉज मेड बाय मी इसका मतलब गलती मेरे द्वारा की गई इसको हम मैं यह भी बोल सकता था कि मिस्टेक वॉज मेड गलती की गई तो ऐसे सेंटेंस में गलती की गई अब दूसरा जो सेंटेंस है गलती की गई इसमें बात पे बल जो बल दिया जा रहा है वो किस बात पे बल दिया जा रहा है वो उस बात पे बल दिया जा रहा है कि गलती हुई है बस ये इंपॉर्टेंट है कि गलती हुई है बट किसने की ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्यों क्योंकि सेंटेंस बल दे रहा है मिस्टेक पे कि मिस्टेक हुई है बट हु हैज डन दैट मिस्टेक इट इज नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन मिस्टेक करी किसने यह इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक्टिव वॉइस में काम किसने किया इस बात पे बल दिया जाता है और पैसिव वॉइस में काम हुआ इस बात पे बल दिया जाता है और किसी पर काम हुआ जैसे ऑब्जेक्ट पर काम हुआ जैसे यहां पे गलती हुई ठीक है अ मिस्टेक वॉज मेड गलती हुई तो गलती क्या थी ऑब्जेक्ट मिस्टेक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे कोई एक्शन हुआ इस बात पे बल दिया जाता है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है और अगर ये बल दिया जाए कि एक एक्शन किया गया तो हम किस पे बल दे रहे हैं डूअर पे बल दे रहे हैं सब्जेक्ट पे बल दे रहे हैं इसका मतलब हम कर्ता पे बल दे रहे हैं काम को करने वाले पे बल दे रहे हैं जब हम एक्शन को करने वाले पे बल देते हैं तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है और जब हम इस बात पे बल देते हैं कि किस पर एक्शन किया गया जैसे अ मिस्टेक 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 वाज मेड की गई तो क्या था ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर एक एक्शन किया गया तो मिस्टेक की गई तो ऐसे सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस को हम किस में रखते हैं पैसिव वॉइस में रखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में रखते हैं और ऐसे सेंटेंसेस में हम डुअर पर सब्जेक्ट पर कर्ता पर बल नहीं देते हैं तो ये फर्क होता है एक्टिव वॉइस में और वॉइस में अब देखिए आगे और थोड़ा डिफाइन करता हूं कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब द वर्ब इज सेट टू बी इन एक्टिव वॉइस फॉर एग्जाम्पल आई मेड अ मिस्टेक मैंने गलती की सी इज रिसाइटिंग अ पॉइम वह पॉइम गा रही है तो यहां पर ध्यान लोगों का किस पे है सी पर उस लड़की पे जो पोइम गा रही है यानी लोगों का बल है पोइम गाने वाली पर बट अगर ये सेंटेंस ऐसा होता है पोइम गाई जा रही है तो लोगों का ध्यान होता कि पोइम गाई जा रही है पोइम पे ध्यान होता पोइम पे ध्यान होता यानी कि ऑब्जेक्ट पे ध्यान होता लेकिन ऐसा नहीं है यहां पे सब्जेक्ट पे लोगों का ध्यान है यानी कि बल किस पे है कि सी इज रिसाइटिंग अ पोएम वह एक पोएम गा रही है तो उस लड़की पे ध्यान है कि वो गा रही है अगर वो सॉन्ग गा रही होती कि सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग तो भी सी पे ध्यान होता तो इस कंडीशन में सब्जेक्ट पे ध्यान होता है सब्जेक्ट पे बल दिया जाता है ऐसी ऐसे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में होते दूसरा देखिए सी विल हेल्प सॉरी ही विल हेल्प मी वह मेरी मदद करेगा ही विल हेल्प मी वह मेरी मदद करेगा इसका मतलब वो व्यक्ति है वही एक व्यक्ति है जो मेरी मदद कर रहा है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है तो ही विल हेल्प मी वह मेरी मदद करेगा यानी और कोई मेरी मदद करने के लिए खड़ा नहीं हुआ यानी हम बता रहे हैं सबको जोर दे रहे हैं कि ही इज द पर्सन विल हेल्प मी कि यही वो व्यक्ति है जो मेरी मदद करेगा यानी सब्जेक्ट पे बल दिया गया कि ही विल हेल्प मी वह मेरी मदद करेगा वह मेरी मदद करेगा अगर इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से बोलता कि मेरी मदद की जाएगी तो बात पे बल किस पे दिया गया किस बात पे बल दिया गया तो बात ये थी कि मेरी मदद की जाएगी यानी मेरी हेल्प होगी बस इस बात पे बल दिया गया इस सेंटेंस में तो ये सेंटेंस किसका था ये पैसिव वॉइस का था कि मेरी मदद की जाएगी बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा इसमें कि कौन मेरी मदद करेगा बस ये इंपॉर्टेंट है कि मदद की जाएगी मेरी मदद की जाएगी ये इंपॉर्टेंट है तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या हो एक्टिव रहे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट पे फोर्स दिया जाए सब्जेक्ट को इंफोसाइज किया जाए सब्जेक्ट पर बल दिया जाए वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है और दूसरे टाइप के सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट क्या हो नॉट एक्टिव नॉट एक्टिव मतलब पैसिव यानी निष्क्रिय जिसमें सब्जेक्ट पैसिव रहे सब्जेक्ट पे बल ना दिया जाए सब्जेक्ट पे बल ना देकर ऑब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा है इस बात पे बल दिया जाए वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है आई होप समझ गए हो आप अब मैं पैसिव के बारे में भी कुछ बता दूं तो देखिए ये जो एग्जाम्पल थे एक्टिव वॉइस के कि आई मेड मिस्टेक मैंने मिस्टेक की मैंने गलती की सी इज विल हेल्प मी वह मेरी मदद करेगा तो ये सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस के हैं तो इन सेंटेंसेस से स्पष्ट होता है दस इस प्रकार वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज एक्टिव दैट इज सब्जेक्ट एक्टिव है सब्जेक्ट एकदम एक्टिव है सक्रिय जिसे कहते हैं हिंदी में तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है सब्जेक्ट पे इंफोसाइज किया जाता है हम ये भी जोड़ सकते हैं कि इन एक्टिव वॉइस वी इंफोसाइज ऑन सब्जेक्ट नॉट ऑन ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पे बल देते हैं ऑब्जेक्ट पर नहीं ये बात आप समझ गए अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की पैसिव वॉइस की तो पैसिव वॉइस में क्या बोला गया देखिए पैसिव वॉइस वेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट क्या बोला गया वेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है द वर्ब इज सेट टू बी इन पैसिव वॉइस तो उस वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है देन द वर्ब इज सेट टू बी इन पैसिव वॉइस तो उस वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है जैसे यहां पे देखिए यहां पे आई मेड अ अ मिस्टेक मिस्टेक क्या है अ मिस्टेक ये चीज आपकी ऑब्जेक्ट है किसकी एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट है अब ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना दीजिए आप इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा अ मिस्टेक वॉज मेड अ मिस्टेक वॉज मेड और जो सब्जेक्ट था ऑलरेडी एक्टिव वॉइस का उसको आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए तो आप बोलेंगे अ मिस्टेक वॉज मेड बाय मी तो यहां पे क्या समझाया गया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट देन द वर्ब इज सेट टू बी इन पैसिव वॉइस तो उस वर्ब को पैसिव वॉइस कहा जाता है और पैसिव वॉइस में अभी मैंने बता दिया पैसिव वॉइस में क्या होता है पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव रहता है वो नॉन एक्टिव रहता है वो एक्टिव नहीं होता है यानी पैसिव वॉइस में इस बात पे बल दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया गया बट काम को करने वाला था इट इज नॉट इंपॉर्टेंट किसने काम किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है बस ऑब्जेक्ट पे एक एक्शन हुआ ये इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस में ठीक है तो पैसिव वॉइस फिर से आप ध्यान दीजिए कि वेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है वर्ब इज सेट टू बी सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज पैसिव पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस है यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव होता है पैसिव मीन्स नॉट एक्टिव या नॉन एक्टिव कह सकते हैं उसको तो पैसिव का मतलब जो सब्जेक्ट है किसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वो पैसिव हो जाता है वो नॉट एक्टिव होता है वो निष्क्रिय रहता है किसके अंदर पैसिव वॉइस के अंदर याद रखना इन पैसिव वॉइस वी इंफोसाइज दैट हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं इन पैसिव वॉइस वी इम्फोसाइज दैट सम वर्क हैज बीन डन ऑन द ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हम इस बात पे बल देते हैं कि कोई काम ऑब्जेक्ट पर किया गया डन किसने किया इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हु डन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट किसने उस काम को किया यह इंपॉर्टेंट नहीं है बस इस बात पे बल दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट पे कोई काम हुआ पैसिव वॉइस में दैट्स वाई इसीलिए इन पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस में द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस रिमेन्स एक्टिव इसीलिए पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो इनएक्टिव रहता है दैट इज पैसिव इनएक्टिव रहता है यानी पैसिव रहता है आगे देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है पैसिव वॉइस का जैसे ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दोनों एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है राम एट मैंगो राम एट मैंगो राम ने एक आम खाया राम एटम मैंगो राम ने एक आम खाया तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का कैसे पहचाना अरे राम ने आम खाया यहां पे होता श्याम एटम मैंगो तो लोग कहते श्याम ने एक आम खाया तो बात लोग बताना क्या चाहते हैं बात बताना चाहते हैं कि आम खाने वाला पर्सन कौन है यानी लोगों का जो बल है लोगों का जो फोर्स है वो राम पे है कि राम है ये व्यक्ति जिसने आम खाया तो यहां पे सब्जेक्ट पे बल दिया गया अब इसी सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देता हूं तो सेंटेंस क्या हो जाता है अ मैंगो वॉजन बाय राम अ मैंगो अंगो वॉजिटन आम खाया गया बाय राम अगर बाय राम भी नहीं लिखे तब भी वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा यानी पैसिव वॉइस में किस पे बल दिया गया मैंगो खाया गया इस बात पे बल दिया गया बट हु हैज रिटर्न दैट मैंगो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है वह इस बात पर बल देता है कि ऑब्जेक्ट पे एक्शन हुआ बट एक्शन करने वाला कौन है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एक्शन करने वाला कौन है यह इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऑब्जेक्ट पे एक्शन हुआ इस बात पर बल दिया जाता है यह एक्टिव वॉयस और पैसि वॉइस में डिफ्रेंस है आई होप यू समझ गए आप लोग तो देखिए नोट क्या बताया गया पैसिव वॉइस में कि समटाइम्स देयर इज नो नीड टू नो अबाउट द डूअर इन पैसिव वॉइस कभी कभी पैसिव वॉइस में हमें कर्ता के बारे में डूअर के बारे में सब्जेक्ट के बारे में जानने की नीड भी नहीं होती जैसे सम वन हेल्प्स मी अब मुझे नहीं पता कौन आके मेरी मदद कर जाता है तो मैंने सेंटेंस बोला किसी को बताया सम वन हेल्प्स मी कोई मेरी मदद करता है अब मैं इसी सेंटेंस को अब समवन देखिए आप समवन इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज आई डोंट नो हु पर्सन हेल्प्स मी अब मैं ये नहीं जानता कि कौन सा व्यक्ति मेरी मदद करता है मेरी हेल्प करता है तो यहां पे समवन कोई अनजान व्यक्ति है कोई अनजान डूअर है जो मेरी मदद करता है कोई अनजान सब्जेक्ट है अब मैं सेंटेंस को क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा आई एम हेल्प्ड बाय समवन लगाने की मुझे नीड नहीं है बिकॉज द डूअर इज़ नॉट इंपॉर्टेंट द सब्जेक्ट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट इसी टाइप से कुछ जो एक्टिव वॉइस के कुछ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट्स होते हैं एक्टिव वॉइस के कुछ कर्ता होते हैं डूअर होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उनको हम पैसे वॉइस में यूज़ ही नहीं करते जैसे सम वन हो गया एवरी वन हो गया एवरी हो गया सम बडी हो गया वी हो गया कभी कभी दे हो गया पीपल हो गया इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट नहीं है ग्निफिकेंट यह इंपॉर्टेंट नहीं है तो पैसि वॉइस में ऐसे डूअर को ऐसे सब्जेक्ट को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है यह बात आप ध्यान रखना तो यही यह बात बताई गई कि समटाइम्स देयर इज नो नीड टू नो अबाउट द डुअर इन पैसिव वॉइस कभी कभी पैसिव वॉइस में डूअर यानी सब्जेक्ट यानी करता काम को करने वाले को जानने की नीड ही नहीं होती फॉर एग्जाम्पल देखिए ही वॉज मर्डर्ड उसकी हत्या की गई बस यहां पे इस बात पे बल दिया गया कि उसकी हत्या की गई बट हु मर्डर्ड हिम किसने उसकी हत्या की इट इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपुल डोंट नो हु पर्सन क्यों क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि वो व्यक्ति कौन है बस इस बात पे बल है कि जो जिसकी हत्या हुई वो पर्सन बड़ा इंपॉर्टेंट था तो उस पर्सन की हत्या हुई ये बात जंगल की आपकी तरह फैल गई तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि उसकी हत्या हुई ही वॉज मर्डर्ड उसकी हत्या की गई ये इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे जो डूअर है उसको हमने यूज नहीं किया ठीक है क्यों यूज नहीं किया क्योंकि वी डोंट वॉन्ट टू नो अबाउट दैट डूअर क्योंकि हम उसके बारे में जानना नहीं चाहते हमें बस इससे मतलब है कि उसकी हत्या हुई दूसरा सेंटेंस देखिए ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर उसका हर जगह स्वागत हुआ उसका सर्वत्र स्वागत हुआ उसका हर जगह स्वागत हुआ यानी यह बात इंपॉर्टेंट है कि उसकी वेलकम उसका वेलकम किया गया हर जगह उसका स्वागत किया गया बट किन किन लोगों ने स्वागत किया इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दोज पर्सन हु वेलकम्ड हिम तो ऐसे सेंटेंसेज में क्या है हमें जानने की जरूरत ही नहीं है कि डूअर कौन है फिर तीसरा एग्जाम्पल द मर्डर हैज बीन हैंग्ड द मर्डर को फांसी दे दी गई है द मर्डर हैज बीन हैंग्ड हत्यारे को फांसी दे दी गई है अब फांसी दी किसके द्वारा गई ये हम नहीं जानना चाहते हमें बस ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बात कि हत्यारे को फांसी हो गई भाई ठीक है ये इंपॉर्टेंट है तो आप यह समझ गए तो अब कुछ ये भी जानिए हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस तो बनाते हैं लेकिन कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि हम पैसिव वॉइस बनाते क्यों हैं भाई पैसिव वॉइस का यूज क्यों करते हैं तो यहां पे मैं वही बताने जा रहा हूं कि हम कुछ सेंटेंसेस को वॉइस में कन्वर्ट क्यों करते हैं तो वेन टू यूज द वॉइस या दूसरे शब्दों में ये बोल लो कि वॉइस का यूज कब किया जाता है तो ये कुछ पॉइंट है थ्री पॉइंट्स में मैं इसको डिफाइन करूंगा नंबर वन वेन द एक्शन सोन बाय द वर्ब जब वर्ब के द्वारा दर्शाया गया एक्शन एंड नॉट द सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट जब क्या हो जब वर्क के द्वारा दर्शाया गया एक्शन इंपॉर्टेंट हो लेकिन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना हो तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं समझ गए यानी एक्शन इंपॉर्टेंट है एक सेंटेंस में जो काम हुआ वो काम इंपॉर्टेंट है बट हु हैज डन दैट वर्क इट इज नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन उस काम को किया किसने ये इंपॉर्टेंट नहीं है जब ये सिचुएशन हो तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं दूसरा सेंटेंस दूसरा मतलब यूज देखिए वन द सब्जेक्ट और एजेंट इज आइदर अन और इनसिग्निफिकेंट जब सब्जेक्ट या डूअर क्या हो इनसिग्निफिकेंट हो या अन हो इनसिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण ना हो जब सब्जेक्ट या डूअर महत्वपूर्ण नहीं है या अननोन है अननोन मतलब अज्ञात यानी हम उसे जानते ही नहीं तब हम क्या करते हैं पैसि वॉइस का यूज करते हैं एक्टिव वॉइस की बजाय हम पैसिव वॉइस को ज्यादा प्रीफर करते हैं थर्ड देखिए वेन देयर इज नीड फॉर ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग वाइल डिस्क्राइबिंग सम साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोसेस जब हम क्या कर रहे हैं जब हमें नीड हो ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग की सपोज कर लीजिए आप एंकर हैं और आपको एक साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस पे कोई रिकॉर्डिंग करनी है ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग करनी है तो ऐसी कंडीशंस में आप एक्टिव वॉइस की बजाय पैसे वॉइस के सेंटेंसेस को ज्यादा प्रीफर करेंगे क्यों क्योंकि उस समय आपका बल ये होगा कि कौन कौन से एक्शन हुए बट हु हैज डन दैट एक्शन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट ऐसी कंडीशन में यानी कि जब ये इंपॉर्टेंट हो कि एक्शन हुआ या ऑब्जेक्ट पे एक्शन किया गया बस ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और करने वाला कौन है ये इंपॉर्टेंट ना हो ऐसी कंडीशन में हम पैसे वॉइस का यूज करते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंसेज में आपको मैं पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना बताऊंगा उसके रूल्स बताऊंगा इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब ए आर स्टडी सर्कल देन प्लीज सब्सक्राइब ए आर स्टडी सर्कल बिकॉज ऑन दिस चैनल यू विल गेट अ डीप नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो